गाइज मूवी में आप लोग देखेंगे कि एक मदर के लापरवाही के चलते उसका बेबी कार के अंदर ही लॉक हो जाता है और यहाँ पर ये जो कार है वो फुली बुलेट प्रूफ होती है। सो मूवी स्टार्ट होती है और हम यहाँ एक बेहद ही मॉडर्न कार का इंट्रोडक्शन देखते हैं। ये कार जो कि मोनोलिथ ऑटोमोटिव कॉर्प के द्वारा मैन्युफैक्चर की गई है। इस कार को वुमेन्स के प्रति हरासमेंट को रोकने के लिए और आए दिन की रॉबरीज के चलते बेहद ही स्मार्ट जो कि फुली बुलेट प्रूफ है और इसमें एक वॉल्ट फीचर दिया गया है जिसके बाद में ये कार एक तिजोरी की तरह सेफ हो जाएगी। अब हम यहाँ सैंड्रा नाम की एक लेडी को देखते हैं जो अपने 2 साल के बेटे डेविड के साथ में इंडिपेंडेंस डे के लिए अपने दादी के यहाँ पर जा रही है। वो इस समय उसी मोनोलिथ कार में है जिसे सैंड्रा के हस्बैंड कार ने गिफ्ट दिया है। अब जैसा कि ये कार एक स्मार्ट कार है तो इसमें लिलिथ नाम की एक एआई असिस्टेंट भी है जैसा कि एलेक्सा सिरी और ओके गूगल होता है। अब इसी दौरान जब सैंड्रा लिलिथ से अपना इंट्रोडक्शन करवाती है तो उसे लिलिथ से पता चलता है कि वो वेट को भी मेजर कर सकती है और इसी के जरिए डेविड एक बेबी है इसका भी पता उसने लगा लिया। सैंड्रा यहाँ पर पिछले कुछ हिस्ट्री में वेट्स को चेक करती है तो उसमें यहाँ पर कुछ रिसेंट वेट्स दिखाई देते हैं जो इस कार में वो लोग बैठे थे। अब एक तो इसमें उसका हस्बैंड का वेट था और बाकी जो बचा हुआ था वो किसका था इसका पता उसे नहीं चल पा रहा था, लेकिन उसे किसी बात का शक हो गया था। अब कुछ समय बाद में कार्ल का कॉल आता है। कार्ल इस समय लॉस एंजलिस में एयरपोर्ट के पास होटल में होता है और पीछे से प्लेन जाने की आवाज भी सुनाई दे रही थी। कार्ल यहाँ पर सैंड्रा से बताता है कि इस कार को तुम्हारे मोबाइल में दिए गए ऐप से भी कंट्रोल किया जा सकता है। अब तभी कार्ल के डोर पर कोई नॉक करता है जिसके बाद में कार्ल फोन काट देता है। इस बात से सैंड्रा को थोड़ा और शक बढ़ जाता है। अब इसके कुछ समय बाद में सैंड्रा एक गैस स्टेशन पर रुकती है। वो यहाँ से कुछ चीजें बाय करती है और हमें यहाँ पर ये भी पता चलता है कि डेविड को अस्थमा है। सामान को ले लेने के बाद में सैंड्रा जब काउंटर पर पे करने के लिए जाती है तो वहाँ पर टीवी पर वो एक कार्टून देखती है जिसमें एक वॉल्ट को खोलने के लिए उसे ऊंचाई से फेंका गया है। अब बाहर तभी कोई इस लाजवाब कार को पास से देखने की कोशिश करता है जिस पर सैंड्रा इसका फुली सिक्योर फीचर ऑन कर देती है। इसके बाद में यहाँ पर सैंड्रा के पास में एक आदमी आता है जो वो उससे कहता है कि मैं आपका फैन हूँ। एक्चुअली सैंड्रा पहले सिंगिंग किया करती थी लेकिन डेविड के पैदा होने के बाद से उसने सिंगिंग छोड़ दिया। उससे बात करने के दौरान डेविड इधर कहीं और चला जाता है जिसके बाद में सैंड्रा खूब डर जाती है और उसे हर तरफ ढूंढने लगती है। अब कई जगह पर ढूंढने के बाद में डेविड सैंड्रा को कुछ लड़कियों के ग्रुप के पास में मिलता है। सैंड्रा खूब चिल्ला रही थी कि उसका बेटा किधर है लेकिन फिर भी इन लड़कियों ने नहीं बताया, इसलिए सैंड्रा इनसे गुस्सा होकर उन्हें गलत शब्द बोल के यहाँ से जाने लगती है। सैंड्रा अब जल्दी से कार में बैठती है जिसके बाद में उन लड़कियों के जो फ्रेंड्स होते हैं वो सैंड्रा की तरफ आने लगते हैं, मगर सैंड्रा कार के वॉल्ट फीचर को ऑन कर देती है जिसके बाद में वो लोग कुछ भी नहीं कर पाते और इन्हीं मौकों के लिए ही इस कार को बनाया गया है। सैंड्रा यहाँ से निकलती है लेकिन इस इंसिडेंट के बाद वो खुश भी होती है क्योंकि उसे वहाँ उसका फैन मिला जिसे सैंड्रा के अंदर उसके म्यूजिक के चलते उसकी क्यूरियोसिटी फिर से जाग गई। सैंड्रा इस बात को बताने के लिए उसकी फ्रेंड जैसा के पास में कॉल करती है। वो जैसा से इस इंसिडेंट के बारे में बताती है। इस समय जैसा किसी के साथ में थी जिसके बाद सैंड्रा अपने शक के चलते उसका वेट पूछने की कोशिश करती है। अब इस दौरान सैंड्रा इधर अपने डेस्टिनेशन पर भी पहुंच चुकी थी मगर उधर वीडियो कॉल पर उसे प्लेन के उड़ने की आवाज सुनाई देती है जिससे उसका शक कुछ हद तक कन्फर्म हो जाता है। वो जैसा से पूछती है कि तुम किसके साथ में हो जिसके बाद में जैसा कार्ल के साथ में कोई और है कहकर फोन काट देती है। अब सैंड्रा जल्दी से कार्ल के पास में कॉल करती है लेकिन कार्ल फोन नहीं उठाता। अब यहाँ पर सैंड्रा काफी गुस्से में आ जाती है क्योंकि उसके पीठ पीछे उसका हस्बैंड उसे धोखा दे रहा है और इसीलिए वो कार को यहाँ से फिर से मोड़ कर इसमें लॉस एंजलिस का डेस्टिनेशन सेट करके यहाँ से निकल जाती है। अब इस दौरान वापस जाते समय वो फिर से कार्ल के पास में कॉल करती है लेकिन कार्ल फोन नहीं उठा रहा था। सैंड्रा यहाँ पर अपने रूट को कंटिन्यू कर रही होती है लेकिन लिली तभी रूट को रिकैलकुलेट करके बताती है कि आगे ट्रैफिक जैम लगने वाला है जिसके बाद में सैंड्रा उससे कोई शॉर्टेस्ट रूट बताने को कहती है। अब सैंड्रा यहाँ से एक टर्न लेकर इस कच्चे रोड पर निकल जाती है जो कि मैप के अकॉर्डिंग एक शॉर्टेस्ट रूट है। वो काफी देर से इस कच्चे रोड को फॉलो करती है जिसके कुछ देर बाद उसे कहीं से लाइट दिखाई देती है। सैंड्रा को लगा था कि शायद ये कोई गैस स्टेशन होगा लेकिन ये एक पावर हाउस होता है। इसके बाद में सैंड्रा इसे इग्नोर करके फिर से अपने रूट को कंटिन्यू करती है। इस समय वो इतने स्ट्रेस में होती है जिसके चलते वो सिगरेट निकाल कर स्मोक करने लगती है। अब जब वो स्मोक कर रही होती है तो इस कार का एआई स्मोक डिटेक्ट कर लेता है और कार फिर वार्निंग का बीप बजाने लगती है। सैंड्रा वैसे भी गुस्से में थी जिसके बाद में वो लिलिथ से कहकर कार का सारा एआई बंद करवा देती है। अब तभी कुछ दूर जाने के बाद में डेविड को पीछे तभी धुएं के चलते खांसी आने लगती है जिसके बाद में सैंड्रा इस सिगरेट को फेंक देती है लेकिन इस दौरान कार हिरन से टकरा जाती है। सैंड्रा पहले चेक करती है कि डेविड ठीक है या नहीं और उसके बाद में वो कार से बाहर जाकर देखने की कोशिश करती है। वो देखती
है कि हिरन कार के नीचे आकर मर चुका है, जिसके बाद में वो इसे एक लकड़ी की मदद से हटाने की कोशिश करती है। मगर इस तरफ सैंड्रा का जो फोन था वो डेविड के हाथ में था। डेविड तभी अनजाने में इस कार के ऐप को खोल देता है, जिसके बाद में उससे कार के वॉल्ट का बटन प्रेस हो जाता है। अब सैंड्रा यहाँ पर बेहद ही मुसीबत में आ जाती है, क्योंकि वो कार के अंदर अब नहीं जा सकती। लेकिन फिर भी वो डेविड को इशारा करके कार को खोलने के लिए बटन को स्वाइप करवा रही थी, लेकिन इस छोटे से बच्चे को इस बात का कोई भी आइडिया नहीं था कि उसने क्या किया है, और तभी फोन भी उससे नीचे गिर जाता है। अब सैंड्रा पास के एक बड़े से पत्थर को उठा के इस कार के ग्लास को तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन ये कार बुलेट प्रूफ है, जिससे ये ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं टूटेगा। सैंड्रा मदद के लिए उसे रास्ते में जो पावर हाउस मिला था वहाँ पर जाती है। अब यहाँ पर पहुँचकर उसे पता चलता है कि इस जगह पर कोई भी नहीं है, और जो फोन यहाँ पर है वो भी काम नहीं कर रहा है, क्योंकि वो इंडिपेंडेंस डे के चलते बंद है और कुछ दिन बाद ही चलेगा। सैंड्रा मायूस हो जाती है, लेकिन फिर भी वो यहाँ से एक बड़ा सा रिंच और एक टॉर्च लेके यहाँ से फिर से कार की तरफ चली जाती है। वो कार के पास पहुँचती है, जिसके बाद में कार के ऊपर चढ़कर वो कार पर मारने वाली थी कि तभी यहाँ पर एक जंगली डॉग आ जाता है। ये डॉग काफी खतरनाक लग रहा था, लेकिन फिर भी किसी तरह सैंड्रा उसे यहाँ से भगा देती है, जिसके बाद में सैंड्रा इस शीशे को तोड़ने की कोशिश करती है, मगर शीशा जब नहीं टूटता तो वो थक कर कार पर ही लेट जाती है। इस समय सैंड्रा सोच रही होती है कि कार्ल उसे कॉल करेगा और फिर उन्हें जरूर ढूंढने के लिए भी आएगा, लेकिन शायद ऐसा ना हो और ये बात उसे भी पता है। अब तभी रात में सोते समय सैंड्रा को ध्यान आता है कि वो जब इस ट्रेन पर मुड़ी थी तो इस लोकेशन पर एयरपोर्ट वन वाली लोकेशन भी है। अब अगला दिन होता है और सूरज भी खूब तेज चमक रहा है, और इसी चीज के चलते अब गर्मी भी अब बढ़ती जाएगी। अब सैंड्रा को वो एयरपोर्ट वाली जगह ढूंढना होगा। वो अपने बेटे को कार के अंदर इस सुनसान जगह पर छोड़कर किसी मदद की उम्मीद को लेकर चल देती है। काफी देर से चलने के बाद में सैंड्रा को प्यास भी लग चुकी होती है, लेकिन वो कुछ दूर जाती है तो उसे बहते हुए पानी की एक नदी दिखाई देती है, मगर वो जब इस पानी को पीती है तो इसका स्वाद बहुत ही गंदा था। अब इसके बाद में वो यहाँ से फिर से आगे बढ़ती है, जिसके बाद वो जल्दी एयरपोर्ट वन वाली जगह पर पहुँच जाती है। इस जगह पर बस एक एरोप्लेन खड़ा हुआ था, दिखने में ही लग रहा था कि ये जगह बंद हो चुकी है। सैंड्रा फिर भी वहाँ पर जाती है, वो प्लेन के अंदर खाने पीने का चेक करती है, लेकिन यहाँ पर कुछ भी नहीं था। अब जब वो यहाँ से निकलने वाली थी तो वो प्लेन के अंदर पड़े टायर को बाहर निकालकर जला देती है, जिससे शायद इसे देखकर कोई हेल्प के लिए आ जाए। सैंड्रा यहाँ से एक बड़ी सी बोतल भी ले जाती है, वो उसे रिवर से इसमें पानी भरती है, जिसके बाद में वो इस बेहद गर्म टेम्परेचर से होते हुए फिर से कार की तरफ वापस जाने लगती है। धूप इस समय काफी तेज हो चुकी थी, और जब वो वापस कार की तरफ पहुँचती है तो सैंड्रा यहाँ देखती है कि डेविड की हालत बहुत खराब हो चुकी है। वो उसे जगाने की कोशिश करती है, लेकिन डेविड कोई भी जवाब नहीं दे रहा था। अब इसके बाद सैंड्रा जो पानी लाई थी वो कार के रूफ पर उलट देती है, जिससे शायद अंदर कुछ टेम्परेचर कम हो जाए। इस कार में अंदर के वेंटिलेशन को बनाए रखने के लिए एक फैन चल रहा होता है। सैंड्रा को तभी याद आता है कि अगर वो आग को कार के पास में जलाए तो इसका AI स्टार्ट हो जाएगा, और कार का गेट भी शायद इसे खुल जाए जैसा कि पहले हुआ था। लेकिन इधर जब सैंड्रा आग जलाती है तो AI स्मोक डिटेक्ट तो करता है, लेकिन वो कार का AI जान जाता है कि ये बाहर से है, जिसके बाद में कार का जो वेंटिलेशन चल रहा था वो भी बंद हो जाता है, जिसके बाद में इस बढ़ते हुए तापमान में डेविड की हालत अब और भी खराब होने वाली थी। सैंड्रा फिर से बिना कुछ सोचे समझे रिंच से कार पर मारने लगती है, मगर इन सब से कुछ भी होने वाला नहीं है। आखिरकार हार मानकर सैंड्रा एक जगह पर बैठ जाती है। सैंड्रा कुछ देर बाद जब उठती है तो डेविड की हालत और भी खराब हो चुकी थी, मगर बाहर से देखने के अलावा वो कुछ कर नहीं सकती। सैंड्रा को लग चुका था कि अब तक तो डेविड मर चुका होगा, लेकिन तभी डेविड अपनी बॉडी हिलाता है, जिसे देखने के बाद में सैंड्रा की उम्मीद फिर से जाग जाती है। मगर तभी फिर से यहाँ पर दूसरी तरफ से वही जंगली डॉग आ जाता है। वो सैंड्रा पर हमला करने की कोशिश करता है, जिसके बाद में सैंड्रा कार के नीचे चली जाती है। अब इसी दौरान ये डॉग उस कार के नीचे हिरन की बॉडी को खाने लगता है। हिरन को जब वो डॉग खींचता है तो ये जो कार थी वो पीछे की ओर जाने लगती है, जिसके बाद में सैंड्रा जल्दी से पीछे जाकर कार को रोकने लगती है। कार रुक तो जाती है, मगर जब सैंड्रा बैठकर रेस्ट कर रही थी तो उसे एक आइडिया आता है। वो कार को इस खाई से नीचे गिराने की सोचती है। अब जैसा कि कार तो काफी सेफ है और डेविड को भी सीट बेल्ट से अच्छे से बांधा गया है, जिससे डेविड को कुछ भी नहीं होगा। अब इसके बाद में सैंड्रा इस कार को नीचे गिराने की कोशिश करने लगती है, और काफी तेज ताकत लगाकर उसे पीछे ढकेलने पर आखिर में कार नीचे गिरने लगती है। मगर कार जैसे ही नीचे गिरने लगती है तो उसका AI चालू हो जाता है, और कार के अंदर इंसान को सेव करने की कोशिश में वो लग जाता है। कार नीचे गिरती है और इधर सैंड्रा भी जल्दी से नीचे आ जाती है। वो कार के गेट को खोलती है तो गेट आसानी से खुल जाता है, जिसके बाद में वो डेविड को बाहर निकाल कर उसे जल्दी से छांव में ले जाती है। सैंड्रा को लग रहा था कि शायद कार अब खराब हो गई होगी, लेकिन कार अभी भी ठीक होती है, जिसके बाद में सैंड्रा जल्दी से कार में जाकर उसे ऑन करती है, और जितना जल्दी हो सके इस जगह से यहाँ से वो निकल जाती है। अब हम
सैंड्रा और डेविड को हॉस्पिटल में देखते हैं जहां पर वो दोनों बिल्कुल ठीक हैं। मगर इनके अलावा कार्ल के बारे में ना बताते हुए कि आगे उनके रिलेशनशिप में क्या होगा, इसी मिस्ट्री के साथ में इस मूवी का एंड होता है। सो दोस्तों, टेक्नोलॉजी को भले ही जितना हमारी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए उसे अपग्रेड किया जाए, लेकिन सही से यूज ना होने पर वो किसके लिए किस मोमेंट पर कर्ज साबित हो जाए, इसका पता नहीं लगाया जा सकता। खैर दोस्तों, ये तो थी 2016 की मोनोलिथ मूवी का एक्सप्लेनेशन। मूवी का एक्सप्लेनेशन अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर आप लोग नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय। जय हिंद, वंदे मातरम।